अच्छा बताओ तुम तीनों में से ये 7 महीने की पीली की है, बताओ ठीक है, बताओ क्या महसूस इस वाले फिगर में, बताओ कि आपको 7 महीने की पीली में कैसा लगा। सर 7 महीने की फिटनेस में उसके पैर वेल फील होते सर, जैसे आपने हाथ डाला जी सर, उसे रिएक्टर की लेयर को नीचे किया हाथ के द्वारा, और जैसे ही इसे पुश किया दबाया तो आपको ये पैर फील हो गए। आज का विषय है गर्भ परीक्षा यानी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, और आज हम इस चित्र के माध्यम से सीखेंगे कि पीली हम कैसे करते हैं, खासकर ये दो अटेम्प्ट, एक पशु खाली और एक 7th महीने का गर्भ। हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब हम लोग 7 महीने की प्रेगनेंसी चेक करते हैं तो इतना हाथ डालते हैं, और जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम खाली डायग्नोस कर देते हैं, ये खाली है, खाली डायग्नोस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बच्चा जो है एब्डोमिनल कैविटी की तरफ है। तो हमें क्या करना है, जब हम इस तरह से पीली करें, ये है नॉन प्रेग्नेंट यानी खाली बच्चेदानी, और ये है लगभग 7 मंथ के आसपास प्रेग्नेंट। तो जैसे हम हाथ डालते हैं तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये रेक्टम है, ये रेक्टम का एरिया है, और रेक्टम में हाथ डाल के जो भी गोबर रहेगा हम उसे साफ कर लेते हैं, और जब आगे हाथ डालते हैं तो ये हम जो है खाली हॉर्न जो है, अगर यहाँ फुलाव रहेगा तो 2.5-3 महीने का फुलाव आपको नज़र आ जाएगा। आज हम पीली कर रहे हैं खाली या फिर 7 महीने, क्योंकि हमने 2.5-3 महीने की वीडियो बनाएंगे। पहले हम आज इसकी वीडियो बनाते हैं जो हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती है फील्ड में, क्योंकि हम लोग चेक करके आते हैं खाली बता के आते हैं और 2 महीने पीछे रह लेती है, तो बड़ा नुकसान है और बड़ी बेइज्जती भी है। भाई आपने पीली करी और 7 महीने की या बंधी और खाली बता के 2 महीने पीछे ब्याली गाय, और आपको बोला है कि भाई ये तो गाय ब्याली, तो ये कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार 2 महीने का पशु गाभन है तो एक बार ये भी हो सकता है कि 2 महीने का है, तो अगर धोखा भी हो जाता है तो किसी और से भी चेक हो सकती है तो वो पता चल जाता है, लेकिन ऐसे पशुओं में दोबारा पशु चेक नहीं कराया जाएगा, ब्याएगा पशु। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल हॉर्न है, दोनों हॉर्न सेम रहते हैं, ये तो खाली की पहचान है, आप सभी इतने दिनों से बच्चेदानी पकड़ रहे हैं सब जानते हैं, तो आपको ये पता चल गया है खाली हॉर्न कैसे होते हैं। ये खाली हॉर्न जो है ये पेल्विक कैविटी एरिया है, ये पेल्विक कैविटी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, ये एब्डोमिनल एरिया है, पेट का एरिया है। तो अभी ये पेट का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये अभी खाली है, क्या है खाली है, यहाँ पे सिर्फ पेट है, मतलब यहाँ पे चारा है, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है। जैसे ये पशु 7 महीने का बनाता है तो हम हाथ डालते हैं, और हाथ डालते जाते हैं हाथ को ले जाते हैं नीचे, कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी एरिया, ये जो एरिया है ये कहाँ है, ये नीचे है आगे की तरफ, और जब हम इसे पेल्विक कैविटी से आकलन करते हैं तो ये मेरा हाथ लगभग इतना चला जाएगा, कितना इतना हाथ हमारा कैविटी से और एब्डोमिनल तक चला जाएगा, और जब एब्डोमिनल तक हमारा हाथ जाएगा तो जैसे ही हमारा हाथ आएगा तो ये पशु के पैर है, ये इसका मुंह है, ये मुंह या पैर कुछ ना कुछ टच जरूर होगा। अच्छा बताओ तुम तीनों में से ये 7 महीने की पीली की है, बताओ ठीक है, बताओ क्या महसूस इस वाले फिगर में, बताओ कि आपको 7 महीने की पीली में कैसा लगा। सर 7 महीने की फिटनेस में उसके पैर वेल फील होते सर, जैसे आपने हाथ डाला जी सर, उसे रिएक्टर की लेयर को नीचे किया हाथ के द्वारा, और जैसे ही इसे पुश किया दबाया तो आपको ये पैर फील हो गए। जैसे आप इस एरिया को दबाएंगे, ये एरिया को जैसे आप दबाएंगे ऐसे तो ये आपको फील होगा, आपको मुंह भी फील होगा, और जब आपने ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ आप जा रहे हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप फील कर रहे हैं, तो आप इसे दबा रहे हैं तो ये आपको पैर और मुंह फील हो रहे हैं अच्छे से, ऐसा हुआ जैसा हम बता रहे हैं ऐसा ही फील मिलता है, ऐसे ही फील मिला, क्योंकि ऑन बोर्ड बताने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ अच्छे से समझ लेंगे तो आपसे फील्ड में गलती नहीं होगी, अगर आप ऑन बोर्ड नहीं समझेंगे तो आपको फील्ड में गलती हो जाएगी, क्योंकि हम आपको वो चीज़ समझा रहे हैं जो हम प्रैक्टिकली हम फील्ड में करते हैं, क्योंकि हमें 12-13 साल काम करते करते हो गए तो हम ये चीज़ों को अच्छे से जान रहे हैं पहचान रहे हैं, हम आपको उसी तरह से ऑन प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जैसे आपने 7 महीने में पीडी की तो आपको जो हम बता रहे हैं बिल्कुल यही फीलिंग आई, यही फीलिंग आई, बच्चे में धड़कन और मूवमेंट पूरा नजर आया, तो वही क्लियर करना था आज का बिजनेस, सिर्फ यही था कि गर्भ परीक्षण नॉन प्रेग्नेंट और 7 मंथ प्रेग्नेंट, 7 मंथ हो सकती है, 8 मंथ हो सकती है, 9 मंथ हो सकती है, 10 मंथ की भैंस भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तो आज के बाद ये गलती नहीं होगी, क्या
ये गलती नहीं होगी। जब भी हम हाथ डालेंगे तो ये जो है नॉर्मल हॉर्न, सबको पता है, आप भी जानते हैं नॉर्मल हॉर्न कहाँ मिलते हैं, पेल्विक कैविटी एरिया, जो बोन होती है, पेल्विक बोन होती है, वो एक एरिया होता है गोल, उसमें ये रहती है खाली। आपको आप हाथ जितना इंसर्ट करेंगे तो आपको वहीं पकड़ना आ जाएगा। अब आपको वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सीधा आप आगे हाथ बढ़ाएंगे और जाएंगे एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, और जैसे ही एब्डोमिनल कैविटी कर जाएंगे, अगर पशु 7 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का प्रेग्नेंट हुआ तो आपको फीलिंग होगी फीटस की। फीटस में आपको बच्चे के अगले पैर लग सकते हैं, बच्चे का मुंह लग सकता है, बच्चे के कान लग सकते हैं, आप फील करेंगे, बच्चे का ये वाला एरिया लग सकता है, कहीं भी आपको फीलिंग होगी जरूर अगर आपने हाथ अंदर डालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपने खाली पशु चेक करना है तो हाथ जाएगा इतना, और जब भी आपने 7 मंथ की पीज करनी है तो हाथ आपका जाएगा इतना, और ये कहाँ जाएगा, एब्डोमिनल की तरफ, ठीक है, सामने नीचे की तरफ। आपको पीडी का हमने नियम बनाए पढ़ाए हैं कि आपने जब भी पीडी करनी है तो ये तीन बातें ध्यान रखनी है। तीन बातें क्या, कि जब भी आपने पशु के हाथ डालना है पहले तो 102 बार का गोबर निकाल देना है। गोबर निकालने के बाद में आपने लगभग 2.5 से 3 महीने प्रेगनेंसी डायग्नोज करनी है, जो कि आपको एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी से थोड़ा सा आगे आपको मिल जाएगी। कभी कभी हीपर्स में पेल्विक कैविटी में ही 2 महीने का मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी हीपर्स के हॉर्न बिल्कुल मुड़े हुए रहते हैं, तो 2 महीने का बच्चा जो है आपको जो है पेल्विक कैविटी के अंदर ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी कई बार ब्याही भैंसों में, जैसे कि फर्स्ट फोर्थ टाइमर फिफ्थ टाइमर वाली भैंस है, उनका यूट्रस इतना बड़ा हो जाता है, खाली यूट्रस भी पेल्विक कैविटी से नीचे चला जाता है, क्योंकि उसमें वजन लंबाई ज़्यादा हो जाती है। तो हमें ये अलग अलग तरह के केस मिलेंगे, कभी कभी खाली हॉर्न भी पेल्विक कैविटी से नीचे पड़ा मिलेगा, कभी कभी 2 महीने की गावन पेल्विक कैविटी मिलेगी। तो ये तो अपना एक प्रैक्टिकली तरीका है कि जितना हम फील्ड में काम करेंगे उतना हमें अनुभव होगा। तो ये नहीं है कि हर बार हम आपको ये कहेंगे कि पेल्विक कैविटी में ही हॉर्न मिलेंगे, ये भी नियम गलत है, क्योंकि कभी कभी बड़ी बड़ी भैंसों का हॉर्न पेल्विक कैविटी से नीचे भी लटक जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम 2.5 महीने की प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो हाथ डालेंगे और 2.5-3 महीने का जितना भी हाथ जाएगा, जितना हाथ जाएगा उतना हम डायग्नोज कर लेंगे कि 2.5-3 महीने की प्रेगनेंसी नहीं है। और जैसे ही हम 7-8 महीने की प्रेगनेंसी को टच करेंगे तो हमारा हाथ जाएगा आगे इतना हाथ जाएगा, और एब्डोमिनल कैविटी का एरिया हम देखेंगे, पूरा महसूस करेंगे, और जैसे ही पेट की तरफ पहुँचेंगे तो हमें पूरा फीटस जो है नज़र आ जाएगा, बच्चे के फील हो जाएगा, पैर हाथ फील हो जाएगी, कोई डाउट किसी तरह का कोई डाउट नहीं। ये गलती नहीं होनी चाहिए पीडी में, 7 महीने की पीडी में गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार 2 महीने का पशु ज्ञापन है तो एक बार ये भी कह सकते हैं आप कि इसे अभी और चेक करा लेना, लेकिन 7 महीने की प्रेगनेंसी अगर आप यहाँ से हाथ डाल के और ऐसे महसूस करके, थोड़ा सा ऐसे करके आपने इतना हाथ डाला, ऐसे महसूस करके हाथ निकाल दिया और कहते दिखा दिया, तो ये आपसे गलती हो जाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आपने ऐसे पशु को चेक करना है जिसमें पशुपालन द्वारा आपको टाइमिंग नहीं बताई गई है, तो आपने हाथ डाल के पूरी तरह से इस एरिया को भी देखना है। कभी कभी हम लोग ये एरिया भूल जाते हैं, तो इस एरिया को भूलना नहीं है, हाथ पे पूरा लगा के ग्लव्स और हाथ को पूरा डालना है, ताकि हम एरिया को भी पूरी तरह से एग्जामिनेशन कर सकें। कोई डाउट? तो दोस्तों इस तरह से ये जो पीडी है, इस तरह से ये पीडी करते हैं, और पीडी का जो पूरा जो फार्मूला है वो आपको समझ में आया होगा। और जो भाई पीडी सीखना चाहते हैं और जो लोग काम करते हैं फील्ड में दिक्कत आती है और पीडी की समस्या है, तो इस तरह से इस फिगर के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह से हम खाली बच्चेदानी डिटेक्ट करते हैं, और इस तरह से हम 7, 8 और 9 मंथ में हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई ये बच्चा जो है फीटस कितना बड़ा है, कितने महीने का है। कोई डाउट किसी तरह का? कोई डाउट आप पूछ सकते हो? तो दोस्तों इस तरह से ये जानकारी वाली वीडियो जो हम बनाते हैं PIPD संबंधित, वो वीडियो आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।